हेलो गाइस, मैं अनिकेत। वेलकम टू द सेकंड ब्लॉग। फर्स्ट ब्लॉग में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हमारे 100 प्लस सब्सक्राइबर भी हमारे फैमिली में ज्वाइन हो गए, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। और चलो, अब हम अगली नेक्स्ट जगह पे जाने वाले हैं, तो आपको वो जगह जाने के बाद पता चलेगी। तो चलो, हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये पीछे दिख रहे हो हमारी मंजिल है, यहाँ पे बौद्ध कालीन लेनिया है। और मेरे को इसका इतिहास पूरा नहीं पता है, तो ऊपर जो भी होगा उसको हम इतिहास की जानकारी लेंगे। तो चलो चलते हैं। गाइस, हम 400 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आ गए। ये देख सकते हो आप पीछे कितनी बड़ी सीढ़ियाँ है, उधर नीचे से यहाँ तक सीढ़ी है। गाइस, हम हमारी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। एसी लेनी है, ये बौद्धकालीन लेनी है। इसके ऊपर ये दरवाजा लगा है, अभी लगा हुआ है। इस प्रकार लेनी है, तो चलो हम इसके अंदर जा रहे हैं अभी। गाइज, इस पूरे हॉल में दो रूम बनाए गए हैं। इधर एक रूम है और उधर एक रूम है। इस दोनों भी रूम में सोने के लिए एक फ्लैट जगह बनाई गई है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज, अभी हम आए बौद्धकालीन मंदिर के पास। ये पूरा का पूरा मंदिर था और इसके थोड़े से अवशेष बचे हुए। ये मेरे पीछे है, वो देखो, वहाँ पे शेर की आकृति है और यहाँ पे एक चक्र दिख रहा है, और दोनों भी स्तंभ के ऊपर है, देख सकते हो आप। ये पूरा का पूरा हाथ से किया हुआ है। तो चलो अंदर जाते हैं हम लोग। अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं। ये देख सकते हो बीच में एक स्तंभ है, और इस स्तंभ के बारे में मेरे को बहुत सी जानकारी नहीं है, मगर मैं इसके बारे में, आपको वीडियो चाहिए, इसकी जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखना, मैं आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर बताऊंगा। भाई, ये पुरातन काल के पानी के स्रोत है। देखो, पुरातन काल में पानी कैसे स्टोर किया जाता था। इसके अंदर बहुत अभी कचरा हुआ है, मगर पानी भी है थोड़ा सा। ये 4 फीट गहरा है और ऊपर से ढका हुआ है। एक साइड का पत्थर निकल गया है, वो देख सकते हो आप। भाई, यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए हमें इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिली। और इसकी जानकारी चाहते हो तो हमारे नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और तो चलो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।